ठीक है, तो फोर भी पेंसिल लो। अपन नेल्स बाद में करेंगे, नेल्स एंड में करेंगे, ए लेयर बाय लेयर। फोर भी पेंसिल में क्या करूं, जिससे नीचे नीचे ये हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले फोर बी से नेल्स के आसपास कर लिया। अब उसका हल्का हल्का ऊपर ऊपर शेड करो ताकि ब्लेंडिंग में इजी रहे। इस वाले पोर्शन में भी यहाँ पे बहुत स्मूथली करना, इतना करो कि ब्लेंडिंग की जरूरत ना पड़े, नॉर्मल शेड करते करते ही अच्छे तरीके से हो जाए। ये वाला पोर्शन तो देखो पूरे डार्क है, तो अपन को करना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डार्क भर दो फोर बी से, एक ही लाइन टाइप दिख रही होगी यहाँ पे, ओके। तो अपन को वो छोड़ना है, या तो अभी कर दो, बाद में अपन मैकेनिकली जैसा से इरेज करें और फिर उसको ब्लेंड कर दें, वो ज्यादा इजी रहता है, तो अपन वही करेंगे। तो ये पूरा एरिया ऐसे शेड करा, पूरा भरना नहीं है अपन को, जैसे ये लाइन जा रही ना यहाँ से कर्व होते हुए, तो ये वाला एरिया भी इसी तरीके से शेड होते हुए धीरे धीरे जाएगा। ये आउटलाइन टाइप एक डार्क बन रही है यहाँ पे, ओके। हल्का हल्का ऊपर ऊपर शेड होएगा, बहुत हल्के तरीके से यहाँ यहाँ शेड होगा, ठीक है। तो ब्लेंड करने के लिए अपन ब्रश भी यूज करेंगे, ठीक है, और मैं ब्लेंडिंग स्टम्प भी। तो पहले इन दोनों को देख लो, ठीक है, यहाँ यहाँ ब्लेंड ब्रश से किया, इसे थोड़ा और डेफिनेट करने के लिए ये वाला जो नीचे आउटलाइन थी ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे अपन। ये वाले पोर्शन में ब्लेंडिंग स्टंप, ठीक है। अब लो अपनी मोनो जीरो इरेजर, यहाँ पे जो अपन को दिख रहा है मोनो जीरो इरेजर से क्या करना है, इस वाले पोर्शन में देखो हल्का सा बॉर्डर से थोड़ा ऊपर ये ऐसे दिख रहा है, हल्का सा इरेज किया, बहुत ज्यादा नहीं। इसके नीचे नीचे जो आउटलाइन है वो बनाऊंगा, बीच बीच में जो शेड हो रहा है वो मैकेनिकल से किया, सराउंडिंग में जो हल्का हल्का शेड है वो दोबारा मैकेनिकल से किया, और फिर इसके ऊपर दो से तीन बार ऐसे ब्रश चला, ठीक है। पूरा नहीं भरना है ये पोर्शन, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से अपन ने दोबारा कर दिया। यहाँ पे अपन को जो दिख रहे हैं ना हल्के हल्के, वो है इसी में थे, इस फिंगर में था, बाकी सब में तो सिर्फ आउटलाइन ही आउटलाइन है, यहाँ पे नीचे से ही छूटा हुआ है, तो अपन को उतना ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे था तो वो कर दिया अपन ने। नीचे वाले में आएंगे, अगर नीचे वाले में फिर से अपन ने नीचे का एरिया शेड करना स्टार्ट किया, आउटलाइन की तरह डार्क, ठीक है। ये वाले पोर्शन को शेड किया, देखो आप जैसे ये डार्क है ऊपर आते आते लाइट हो रहा है, तो हल्का हल्का लाइट होगा यहाँ, हल्का हल्का नीचे आते आते लाइट होगा। ये पीछे का पोर्शन जो डार्क है पूरा, इसे अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। इतना हिस्सा किया, इसके आगे हल्का हल्का सा शेड करते हुए आएंगे, बस नीचे का हिस्सा अच्छे तरीके से डार्क कर लो और उसे हल्का हल्का ऊपर शेड करते हुए लाओ। फिर से ब्लेंडिंग स्टंप से पहले नीचे वाले एरिया को ब्लेंड कर लो, ताकि वो जो डार्क सी शेडो वाली लेयर बन रही है वो अभी के अभी सॉलिडिफाई हो जाए। ये वाले पोर्शंस पर अच्छे अच्छे सर्कुलर चला चला के करो, जैसे ऊपर ऊपर ले जाओ ताकि ब्लेंड हो जाए। ये वाले पोर्शन में भी जो थोड़ा बाहर निकल रहा है उसे ऑन स्पॉट इरेजर से इरेज करते जाओ, ताकि एक डेफिनेट शेप बना रहे, और इस तरीके से अपना हो जाता है। थोड़ी सी जो अपन को और एक लाइन टाइप दिख रही है यहाँ पे और डार्क सा, उसे हल्का हल्का मैकेनिकल पेंसिल के साथ करो जो बॉर्डर के पास दिख रहा है ये वाले पोर्शन में, ये पीछे जाते जाते पतला सा हो रहा है, ऊपर ऊपर भी हल्का सा दिख रहा है, तो वो करो। चेहरे की तरफ थोड़ी सी बाउंस जा रही है,
ग्रेफाइट बाहर, उसे इरेज किया और ये थर्ड फिंगर भी अपनी डेप्थ हो गई इसमें कम्प्लीट। आते हैं फोर्थ फिंगर पे, फोर्थ फिंगर पे यहाँ पे देखो रैंडमली ऐसे थोड़ा तो अपन ये उसी तरीके से करेंगे कि धीरे धीरे यहाँ आ क्या आया। फिंगर नेल के पास नहीं है, फिंगर नेल के पास नहीं है बहुत ज्यादा शेड ऐसे आउटलाइन में, तो अपन इसमें देंगे भी नहीं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सराउंडिंग ऐसे कर करके छोड़ देंगे। बैकग्राउंड से फिर ये आगे की तरफ आ रहे हैं थोड़े, फिर ऊपर की तरफ हल्का हल्का यहाँ ऊपर ऊपर शेड करेंगे हल्का सा। ब्रश से ब्लेंड करो नीचे वाला जो 4V वाला एरिया है, ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर लो। फिंगर नेल के सराउंड ऐसे करना ताकि दिखे कि अपन ने हाईलाइट टाइप दिख रहा है। ओके, तो फिर बस और कुछ नहीं, यहाँ पे जो आउटलाइन में निकल रहा है शेड उसे कर दो और हल्की हल्की आउटलाइन मैकेनिकल पेंसिल से दे दो। तो ये अपनी फोर्थ लेयर भी होनी थी 4B से, वो हो जाती है तो आप ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है। थोड़ा नेल्स कर लेंगे पूरा कंप्लीट लुक आएगा। ठीक है, तो इतना करो पहले। ब्रश में जितना ग्रेफाइट है अपन सराउंडिंग को उतना करेंगे। पहली बार सराउंडिंग को थोड़ा क्लीन कर लो, जो बचे कुछ रेसिड्यू है ना ग्रेफाइट के वो हटा लो। इस वाले एरिया में भी, इस वाले एरिया में एकदम माइन्यूट तरीके से। अब देखो इसको इस तरीके से रखा, ये वाले पोर्शन को ऐसे ब्रश चलाना स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा, ये हल्का सा आया ठीक है, अब थोड़ा दूर जाते जाओ और इसे छोड़ दो ऐसे, तो डार्क टू लाइट हुआ हल्का सा। फिर से ऊपर से स्टार्ट करो, दो चार बार करो, फिर लाइट और फिर ये हो गया। ठीक है, हल्का हल्का यहाँ पे किया और इतना काफी है। तो मैंने ये जो हल्का सा अभी इफेक्ट दिया है इतना अभी काफी। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर एकदम ग्रेफाइट छूट रहा हो ब्रश से तो थोड़ा साफ कर लो, एकदम से नहीं करना। मैंने क्या किया, 4-5 बार इधर चलाया ऊपर वाले पोर्शन में और फिर धीरे धीरे आगे करते हुए ले गया। इसके बाद क्या करूंगा, जो पेपर के अंदर का एरिया ये वाला, इस पे जो ग्रेफाइट आ गया है मैं उसे धीरे धीरे साफ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपन को बाहर चाहिए इसके अंदर। फिर अगर अपन नीचे आते हैं इस वाले पोर्शन में, देखो इसमें बाहर नहीं है, पेपर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, पेपर पे शेड, तो यहां से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, थोड़ा ग्रेफाइट दिख रहा है मुझे आते हुए, अब धीरे धीरे से मैं आगे की तरफ ले जाऊंगा, बस इतना, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं, क्योंकि इसमें देखो अगर ग्रेफाइट तो फिंगर नेल्स तक ही है। ठीक है, फिर से आए और फिर आगे, बस इतने में हो जाता है। ब्लेंडिंग स्टंप लो, ब्लेंडिंग स्टंप से अगर देखो तो फिंगर नेल्स के नीचे जैसे इस वाले पोर्शन में हल्का हल्का शेड है और शेडो जो आ रही है शेडो वो बनानी, तो ग्रेफाइट अपना इसमें काफी रहता है ब्लेंडिंग स्टंप में, तो हल्का सा लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं घिसना वरना स्मजे आ जाते हैं डायरेक्टली करने से, बहुत आराम आराम से करना। इसके नीचे हल्की सी गैप छोड़ना बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, इस तरीके से हल्का सा। अब क्या करना, यहाँ इस वाले पोर्शन में थोड़ा थोड़ा डार्क है, मैकेनिकल पेंसिल ली, हल्का हल्का शेड करना स्टार्ट किया। आगे आगे लाइट हल्का करना स्टार्ट किया, यहाँ पे बीच वाले एरिया में डार्क और फिर से लाइट। ठीक है, ये शेड हुआ अपना, बीच वाले पोर्शन से ब्लेंडिंग स्टार्ट करी, राइट गए और फिर लेफ्ट। बीच में याद रखना हल्की सी एक लेयर छोड़ना है, जो व्हाइट लाइन सी दिख रही है
ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, कि ऐसा ना हो कि अपन शेडो और फिंगर को एक समझ ले। ओके, हल्का हल्का इस पर ब्रश चलाओ और ये वाले पोर्शन पे थोड़ा डार्क ही रखना फिंगर टिप के आगे जो आ रहा है। मेरा बॉर्डर ब्लेंड हो गई है, हल्का सा मैकेनिकल पेंसिल से मैं करूंगा। ओके, तो इतना हो जाता है जितने में मुझे अभी शेड करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले पोर्शन में शेड करने की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इतना कर लो फिर अपन आगे का करते हैं। एचबी पेंसिल ली अपन ने, ये जो एरिया दिख रहा है यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, तो यहां से लेके ऐसे यहां तक दिख रहा है। अब मैं मिड टोन्स में फिल करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, और स्मूथली फिल करना है, इनमें गैप वगैरह नहीं चलेगा, एकदम स्मूथ होना चाहिए। हल्का हल्का बाहर थोड़ा सा शेड करूंगा इसमें ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, तो यहां से कैसे हुआ, थोड़ा थोड़ा नीचे गया इस तरीके से, देखो ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ सा है, तो बहुत हल्के तरीके से शेड करते हुए, ठीक है, इसे मैं रॉक टाइप कर लूंगा, बहुत लाइटली किया है, ठीक है। अब मैं इसे शेड करना स्टार्ट किया, तो मैं इसे बहुत ध्यान से पहले एक बॉर्डर बॉर्डर एरिया में शेड कर रहा हूं, मैं उसे धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ, स्मूथ शेडिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, बहुत ज्यादा लाइट नहीं करना, और एक जैसा करना पूरी जगह। ठीक है, इस तरीके से ओके, तो ये किया मैंने। अभी मुझे देखो थोड़ा नीचे का पोर्शन जो है, ये तो ये डार्क है, ये लाइट हुआ, ये डार्क, तो मैं एक और लेयर टाइप दूंगा इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा डायगनल में ला रहा हूं मैं, ये डार्क किया, सेंटर पे लाते लाते लाइट हुआ, फिर मैंने इस वाले पोर्शन में डार्क करना स्टार्ट किया, पहले लेफ्ट ले गया लाइट करते हुए, डायगनल में लाया और इसे मैं डार्क कर रहा हूं इस वाले पोर्शन में, एचबी से थोड़ी थोड़ा ज्यादा चलाऊंगा मैं वहां पे एचबी। ओके, इस तरीके से मैंने नीचे वाले पोर्शन में जो है पेपर के वो मैंने शेड दे दिया। अब कैसे मैं इसे ब्लेंड करूंगा, तो ब्रश से पहले तो ब्रश प्रेफर करो, तो बाद में पहले ब्रश से स्मूथली करो और फिर इसे बाहर की तरफ फैलाते हुए ले गए। ठीक है, ये नीचे की तरफ हल्का हल्का शेड आ गया, अब थोड़ा इफेक्ट आ रहा है कि हाँ ये पेपर उठा हुआ है, 2D इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये देखो डिफरेंस देख सकते हो लेफ्ट और राइट में, ये नॉर्मल 2D लग रहा है लेकिन ये थोड़ा इफेक्ट के साथ उठा हुआ सा लग रहा है। नीचे वाले एरिया में भी आएंगे, इसे भी स्मूथली ब्लेंड करना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि पूरे एक बार में ब्रश फेर दिया, नहीं, पर्टिकुलर स्पॉट पकड़ो वहां पे ब्रश अच्छे चलाओ और नीचे लाते जाओ थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं लाना है, नीचे जितना डेफिनेट शेप दिख रहा है ना अपन को उतना ही नीचे लाना है। ये ऊपर से किया, फिर से नीचे लाते गए, फिर इस तरीके से जो कर्व आ रहा है कर्व किया, फिर से नीचे लाया ऐसे कर्व करते हुए, तो मेरा बहुत ज्यादा ऐसे फैल नहीं रहा, मेरा एक डेफिनेट शेप नीचे बन रहा है, तो मैं उस डेफिनेट शेप पे एक और बार ब्रश चलाऊंगा ताकि वो जो शेडो आ रही है जो लाइट शेडो है उसका भी एक शेप आ जाए अच्छा खासा। ओके, अब मैं ब्लेंडिंग स्टंप लूंगा, ब्लेंडिंग स्टंप की जो साइड वाला पोर्शन है, टिप नहीं साइड, साइड वाले पोर्शन से मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करा, जो एरिया मुझे लग रहा है कि रफ है या फिर कुछ एरिया रह गया ना जिस पर फिल नहीं हुआ है
उतने में, जैसे ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पेपर का, यहाँ पे ग्रेफाइट आ गया, उसे मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ बॉर्डर के पास छूटा हुआ है, तो मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल ली और उसे बहुत स्मूथली स्मूथली शेड करने लगा, ठीक है, ताकि वो एक बार जो शेप है वो भी डेफिनेट हो जाए और हल्की सी डेप्थ और ज्यादा आ जाए। फिर इस पे ब्रश चलाया, इस तरीके से मैं जो जो इफेक्ट देना था, 3D इफेक्ट जो पेपर पे आ रहा है वो आ जाता है। तो लेयरिंग के लिए पहले स्टार्ट करेंगे 2B से, तो जैसे अपन को फिल करना है, ओके, जैसे फिल कर रहे हो उस हिसाब से करना, बहुत ज्यादा भी नहीं घिसना है, शेडिंग करते हुए करो, पहले आउटलाइन बना लो। ठीक है, एक फिंगर नेल बता रहा हूं मैं, उसी तरीके से अपन को सारे करने हैं। ये किया, इसके बाद ब्रश की जगह ब्लेंडिंग स्टंप प्रेफर करो, क्योंकि ब्रश से क्या होता है फैल जाएगा, और बाहर मत करना क्योंकि अपन बाहर की जो शेडिंग है, जो डेप्थ इफेक्ट आ रहा है वो दे चुके हैं, तो अपन उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। ये 2B हुआ, फिर 6B करेंगे। देखो रफली मत करना, क्योंकि अपन को क्या एकदम स्मूथ शाइनी इफेक्ट जो आ रहा है इसमें वो देना है। सिक्स भी हुआ, इसे ब्लेंड करो अच्छे तरीके से। फिर 8B पेंसिल करेंगे अपन यूज। देखो धीरे धीरे डेप्थ बढ़ती जा रही है अच्छी खासी, हो सकता हो कैमरे में थोड़ा शाइन सी दिख रही हो, लेकिन इसमें पूरी डेप्थ भरी है अपन ने। 8B हुआ अच्छे तरीके से, और अब फाइनल लेयर अपनी 10B पेंसिल। 10B से बहुत ध्यान से करना, इधर उधर नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, और ब्लेंडिंग के बाद एक चीज ध्यान रखना, मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन जो है वो जरूर दे देना, ताकि जो थोड़ा शेप इधर उधर बिखर सा रहा है वो डेफिनेट तरीके से आ जाए, जैसे यहाँ पे आगे की तरफ है। ओके, तो ये अपना फिंगर नेल हुआ, लेकिन अभी भी उतना शाइनिंग नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, व्हाइट जेल पेन लिया, यहाँ पे दिख रहा है, तो धीरे धीरे एकदम से लाइन मत खींच देना, धीरे धीरे उसे बढ़ाना इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से अपनी जो फिंगर नेल में शाइन आ रही थी वो आ जाती है। तो इसी तरीके से बाकी सारी नेल्स भी करने हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, हल्का सा यहाँ पे डॉट है, इसमें ज्यादा है और इसमें सिर्फ फिंगर के पास है, तो बाकी सारी तो आसान है, वो भी सेम तरीके से होंगी, तो करो इतना।